आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बच्चे लोग के साथ ही हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने आप को एक बच्चा मानता हूँ दिल से. आई डोंट नो, आई जैसे कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ कोई अवार्ड फंक्शन के लिए या कोई इवेंट के लिए, आई मोस्ट आउट ऑफ प्लेस एंड ऑकवर्ड. बट व्हेन अ चाइल्ड कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे पता है वो नॉन जजमेंटल है. मुझे पता है वो, मतलब ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी, यू नो, वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज लव. ही कुछ भी बोलेगा, यू नो, ही जस्ट, किड्स हैव वाइल्ड इमेजिनेशंस. एंड ऑल्सो समटाइम्स, यू नो, दे कम अप टू मी एंड से, अरे आप ये कैसे करते हो, आप वो करके दिखाओ, आप ये डांस करके दिखाओ, वो स्टैंड करके दिखाओ. सो आई फील सो गुड, यू नो, व्हेन किड्स कम अप टू मी एंड आस्क मी फॉर दीज फेवर्स. आई एम मोस्ट कम्फर्टेबल एंड हैप्पी अराउंड चिल्ड्रेन. बहुत सारे, पर आई थिंक उस टाइम में टेंशन बहुत कम लेता था मैं. और आई यूज़ टू जस्ट वेट, शाम को मुझे हमेशा फुटबॉल खेलने को मिलता था, तो आई यूज़ टू जस्ट इन्जॉय प्लेइंग विद द नेबरहुड किड्स फुटबॉल. और जो भी स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ था बचपन से ही, तो यू नो, एनी टाइम प्लेइंग एनी स्पोर्ट जस्ट विद द किड्स वाज फन. सर, जैसे मैंने कहा, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है. कुछ लोग कुछ लोगों के पास ज़्यादा, यू नो, वक्त ज़्यादा है, तो यू नो दे स्पेंड देयर टाइम डूइंग डिफरेंट थिंग्स. सम पीपल जो बहुत बिजी रहते हैं, आई थिंक इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है. एंड हाँ, सॉरी, भूल गए. और यार सर, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ इंडस्ट्री में. अभी लॉन्च हुई मेरी, तो यू नो, आई कॉन्ट रियली से मच टू सच सीनियर आर्टिस्ट इन आर इंडस्ट्री, एंड इट वुड बी आउट ऑफ माई प्लेस टू से एनीथिंग.